अब हम एक नए टॉपिक की तरफ चलते हैं जो ग्लोबली बड़ा डिस्कस रहा है डिस्कशन का पार्ट रहा है इन लास्ट सेंचुरी दैट इज़ हाउ इंटरनेशनल ट्रेड हैज़ हेल्प इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द वर्ल्ड हम लोग स्पेसिफिकली कंट्रीज़ को दो ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे डिवेलप और डेवलपिंग को यहाँ से अपना एक केस बिल्ड करेंगे और फिर आगे एनालिसिस करेंगे किस तरीके से ओवरऑल इन दो ग्रुप्स ने गेन किया है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम या फिर आ, इनको नुकसान हुआ है थ्रू इंटरनेशनल ट्रेड तो इंट्रोडक्शन में प्राइमरीली uh, अगर आप देखें तो uh, दो कंट्रीज़ में आप डिवाइड करते हैं पूरे वर्ल्ड को वन इज़ डेवलप्ड वर्ल्ड और दूसरा है डेवलपिंग वर्ल्ड या डेवलपिंग कंट्रीज एंड डेवलप्ड कंट्रीज तो नॉर्मली जो मैयर लिया जाता है डेवलपमेंट uh, को मैयर करने के लिए आल दो Uh, ये ग्रोथ का भी मैयर है लेकिन डेवलपमेंट को रियल पर कैपिटा इनकम के हिसाब से मैर कर लेते हैं uh, अगर आप वर्ल्ड बैंक का जो इंडिकेटर uh, है टू मैयर डेवलपमेंट। आल दो देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन इकनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर जस्ट इनकम की बात करते हैं डेवलपमेंट के अंदर हम दूसरी चीज़ों की बात कर लेते हैं लेकिन फॉर द एनालिसिस फॉर दिस चैप्टर हम लोग इकोनॉमिक uh, डेवलपमेंट को और इकोनॉमिक ग्रोथ को साइमल्टेनियसली लेके चलेंगे या एक ही चीज़ कंसिडर करेंगे यहाँ पे जो डेवलपिंग uh, वर्ल्ड है उसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स आप नॉर्मली uh, एक्सपीरियंस करेंगे या हर डेवलपिंग कंट्री के अंदर आपको ये क्वालिटीज ज़रूर नज़र आएंगी वन इज़ लो रियल पैक कैपिटा इनकम्स आपको ज़रूर नज़र आएंगे डेवलपिंग वर्ल्ड के अंदर इसी वजह से इसको डेवलपिंग कंट्रीज uh, या कंट्री कहा जाता है अगर उसकी पर कैपिटा इनकम कम हो दैन uh, एक बड़ा करेक्टरिस्टिक्स वहाँ पे आपको नज़र आएगा कि लेबर फोर्स का बड़ा हिस्सा uh, जो प्राइमरी प्रोडक्ट्स हैं उनके साथ एसोसिएट करेगा जैसे स्पेसिफिकली uh, अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान का लेबर फोर्स का एक बड़ा हिस्सा एग्रीकल्चर Uh, के साथ व है तो पाकिस्तान भी एक डेवलपिंग uh, कंट्री uh, है इसी तरीके से बांग्लादेश में अगर देखें तो वहाँ पे भी कॉटन इंडस्ट्री कॉटन के साथ या एग्रीकल्चर के साथ बहुत से लोग एसोसिएट हैं थाईलैंड को देख लें वहाँ पे भी यही केस आपको नज़र आएगा तो देन एक और चीज़ यू विल एक्सपीरियंस इन डेवलपिंग कंट्रीज दैट इज़ इलिट्रेसी वहाँ पर लाइक uh, पाकिस्तान like अगर आप देखें तो यहाँ पे लिटरेसी रेट लिटरेसी रेट जो है वो काफ़ी कम है और इलिटरेसी रेट काफ़ी ज़्यादा है दैन हेल्थ कंडीशन एसोसिएटेड विद द एजुकेशन आपके पास लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी आपको नज़र आएंगी एंड देन uh, uh, जो ओवरऑल जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो उस तरीके से आपको नहीं मिलेगी आपको वाटर सैनिटेशन के मसले नज़र आएंगे तो बहुत से ऐसे इश्यूज़ Uh, जो इंक्लूडिंग दीज इशूज दैट एज वेल लाइक पापुलेशन ग्रोथ इज़ वन ऑफ द इशूज़ के डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर पॉपुलेशन ग्रोथ नॉर्मली ज़्यादा देखने को आपको uh, मिलता है तो दीज आर बेसिकली करैक्टरिस्टिक्स यू कैन से ऑफ़ डेवलपिंग कंट्रीज इसके बिल्कुल बारिक्स जो डेवलप्ड वर्ल्ड होगा ऑब्वियसली उसके पास बेहतर uh, लेवल ऑफ एजुकेशन होगा हेल्थ फैसिलिटीज़ बेहतर होंगी लेबर फोर्स वुड भी एसोसिएटेड विद द इंडस्ट्री प्राइमरिली जो ज़्यादा लेबर फोर्स का पार्ट होगा या हाई वैल्यू एडेड गुड्स की तरफ वो ज़्यादा प्रोडक्शन uh, हो रही होगी और वहाँ की लेबर इन्वॉल्व होगी सर्विस सेक्टर के अंदर काफ़ी ज़्यादा लेबर इन्वॉल्व हो रही होगी अब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हुआ क्या है uh, अगर अगर हम ट्रेड थेरीज को देखें उसके साथ अभी मैं लिंक करता हूँ प्रायर टू दैट अगर हम देखें तो हिस्टोरिकली ये हुआ है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो ज़्यादातर चीज़ें प्रोवाइड करती रही हैं इनपुट्स की फॉर्म में टू डेवलप वर्ल्ड एंड देन डेवलप वर्ल्ड से टेक्नोलॉजी आती रही है कैपिटल आता रहा है टू डेवलपिंग वर्ल्ड तो ये एक जनरल फिनमिना रहा है पिछले Uh, सदियों के अंदर अगर आप देखें या इवन कंट्रीज़ के अंदर बिफोर दैट क्योंकि एटीन सेंचुरीज में सेवनटीन सेंचुरी में आपको पता है क्लोनलिज्म uh, का पीरियड था तो इस केस के अंदर uh, पिछले सेंचुरी की अगर स्पेसिफिकली हम बात करें ट्वेंटी सेंचुरी की या इवन नाइनटीन सेंचुरी की भी बात कर लें लास्ट टू सेंचुरीज तो आपको ये नज़र आएगा कि uh, जो फूड uh, और रॉ मटीरियल थे देवर एक्सपोर्टेड फ्रॉम द डिवलप कंट्रीज कंट्रीज टू डेवेल्प वर्ल्ड और इन एक्सचेंज टू दैट आपके पास जो डवेल्प uh, कंट्रीज थी वो आपके पास फाइनल uh, या मैन्युफैक्चर्ड फॉर्म में गुड्स देती थी लेकिन एक बड़ा इंटरेस्टिंग चेंज uh, आया है इन लास्ट सिक्स और सेवन डेकेट्स एक मैंने एक फिगर लिखा है लास्ट फोर डेकेट्स को आलमोस्ट ये रिप्रेजेंट uh, कर रहा है दैट इज ट्वेंटी परसेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स वर ट्वेंटी फाइव परसेंट ओनली ऑफ डेवलपिंग कंट्री एक्सपोर्ट्स जो अब बढ़ के एटी परसेंट तक हो गई हैं इट मीन्स कि अब जो डेवलपिंग वर्ल्ड है वहाँ से भी मैन्युफैक्चरिंग गुड्स की एक्सपोर्ट हो रही है तो यहाँ पे जो एक्सपोर्ट एलिमेंट है हमने प्रोडक्शन के अलावा एक्सपोर्ट की बात की है तो एट्टी परसेंट एक्सपोर्ट जो हैं वो मैन्युफैक्चरिंग गुड की तरफ आप जा रहे हैं अब एक बड़ा सपोज क्वेश्चन रहा है इन लिटरेचर हिस्टोरिकल क्वेश्चन है कि क्या आ, जो क्लोज़ इकानमी है आ, उसके थ्रू बेहतर ग्रोथ हो सकती है या नेशन जो हैं वो बेहतर तरीके से ग्रो कर सकती हैं या फिर आप जितनी इकॉनमी ओपन होगी अब क्लोज इकॉनमी से मुराद या लेस क्लोज इकॉनमी या लेस ओपन इकॉनमी से मुराद है कि कम से कम ट्रेड करे एक नेशन पूरी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ और जितनी ओपन इकॉनमी से मुराद क्या होगा जितने उसके ज़्यादा लिंक हैं या जितना वो ट्रेड करती है ज्यादा कंट्रीज़ के साथ तो एक बड़ा हिस्टोरिकल क्वेश्चन रहा है लेकिन इसको आंसर जो है डिफरेंट इकोनॉमिस्ट ने डिफरेंट वे से किया हुआ है लाइक कुछ इकोनॉमिस्ट हम लोगों ने भी जिनको पढ़ा है थोड़ा सा आ, ट्रेड का आइडिया लिया है तो वो यही प्रोपिगेट करते रहे हैं कि जितनी आप ट्रेड ओपन करेंगे उतने आप बेनिफिट इकोनॉमिक बेनिफिट ले सकते हैं बाय यूजिंग बेटर बाय यूजिंग क्वालिटी लेबर आप uh, जो फैक्टर इंडोमेंट्स को हैं वो ज़्यादा तरीके से बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं और दूसरे जो हैं और देन फिर uh, कुछ इकोनॉमिस्ट प्राइमरिली अगर आप वर्ल्ड वॉर वन की बात करें और आफ्टर दैट बिफोर दैट बिफोर वर्ल्ड वॉर टू अगर उस पॉइंट की बात करें तो वहाँ पे भी कुछ इकोनॉमिस्ट का थॉट था कि आप क्लोज इकोनॉमी रखें यानी कि आप एक पॉलिसी थी बेगर द नेबर पॉलिसी उसके ऊपर अमल करें ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो एक्सपोर्ट करें इम्पोर्ट कम से कम करें लेकिन आ, जो माइंड सेट चेंज हुआ है डेवलपिंग कंट्रीज़ का पिछले कुछ डेकेट्स के अंदर वहाँ से यही नज़र आ रहा है कि आपके पास एक्सपोर्ट्स ने या ट्रेड ने डेवलपमेंट की है और उसमें बड़े सक्सेस केसेस आपको नज़र आएंगे आ, पूरी आ, दुनिया में आपके पास जैसे चाइना इज़ वन ऑफ दैम कि जिसने सपोज एक्सपोर्ट्स की बेस पे आ, जो डेवलप किया है ओवर द या मजीद डेवलप कर रहा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम तो ये आ, जो है वो इंटरेस्टिंगली आपको नज़र आता है आ, बिफोर नाइनटीन एटीज़ एक स्कूल ऑफ थाट आल दो बड़ा कम नंबर था लेकिन बड़े इन्फ्लुएंशियल थे इकोनॉमिस्ट जो ये समझते थे कि आपके पास इम्पोर्ट सब्सिट्यूशन पॉलिसीज होनी चाहिए दैट मीन्स के आपके पास इम्पोर्ट आप कम से कम करें इफ़ यू वांट टू ग्रो अगर आप हाई ग्रोथ रोड चाहिए तो आपको इंटरनल जो रिसोर्सेज हैं उसको बेहतर से बेहतर तरीके से यूज़ करना चाहिए और जो आप इम्पोर्ट्स कर रहे हैं फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड उसको सप्टीट्यूट करें विद द लोकल प्रोडक्ट्स तो इन दैट केस यू कैन सेव द फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व और वहाँ पे आप रिज़र्व बढ़ा सकते हैं फॉरेन एक्सचेंज के और फॉरेन एक्सचेंज को सेव भी कर सकते हैं फॉरेन जो आपको डॉलर्स की फॉर्म में सपोज आप ट्रेड कर रहे हैं तो वहाँ पर आप, आप पैसे बचा भी सकते हैं सपोज या किसी भी फॉर्म के अंदर गोल्ड की फॉर्म के अंदर ट्रेड कर रहे थे जो हमने आ, किसी मर्कन टायरिस्ट अप्रोच जब पढ़ी थी तो हमने बुलियन का नाम उसको दे दिया था तो हम यहाँ पे आ, ये जो नाइनटीन एटीस के पहले की बात कर रहे थे कि आपके पास काफ़ी ज़्यादा जो है वो ट्रेड आ, हेल्प नहीं करती वो बेसिकली रोकती है ग्रोथ को तो वो कहते थे कि आप जो है वो इम्पोर्ट सब्सिड्यूशन पॉलिसीज़ की तरफ जाए अब इस कुछ नेक्स्ट मॉड्यूल्स के अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि क्या ये स्कूल ऑफ थाट ठीक था कि क्या जो ट्रेड है वाकई वो ग्रोथ को रोकती है या कुछ ऐसे केसेस हैं क्योंकि कुछ इकोनॉमिस्ट ट्रेड को ग्रोथ का इंजन भी कहते हैं तो वाई इज़ दैट तो हम कुछ मॉड्यूल्स के अंदर इन नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से ट्रेड जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को अफ़ेक्ट करती है पॉजिटिव या नेगेटिव